सजावट हो रही है। काहिरा बहन, जरा आराम से नीचे उतर आओ, मेरी शेरवानी निकाल लाओ, तुम लोगों के लिए के कपड़े लाने। रोजा अफ्तार करके जाएगी ना भाईजान? अरे भाई, रोजा अफ्तार करके गया तो रात को शहर पहुंचूंगा। तुम जल्दी से मेरी शेरवानी निकालो। नगी भाईजान के कमरे में रखी होगी। अच्छा अच्छा, बड़ी शरीर है। मेरी छोटी सी बहन खुद भी परेशान होती है और मुझे भी परेशान करती है। भाईजान, ये परेशानी एक ही ताबीज से दूर हो सकती है। वो कैसे? भाभी जान ले आइए। लो वो आ गई भाभी जान। सहायता, मैं भी शेरवानी लेकर आती। आओ जहदा। अगर आप शहर जा रहे हो तो मेरे लिए ये सामान लेते आइए। मगर ये क्या, मुझे गैर समझती हो जहदा। लेकिन ये सामान तो अम्मी जान ने मंगवाया है। अगर वो आपकी अम्मी जान है तो हमारी फूफी जान समझी। लाइए लिस्ट, हम सामान नदी मियां से मंगवा लेंगे। अब ये लिस्ट ही सामान मिलेगा। अब ये लीजिए। भाईजान, 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 लीजिए शेरवानी, वहीं से मिली जहां आपने पिछली ईद पे रखी थी। अरे ताहिरा, अब नदीम कुछ कहकर गया था, सुबह से नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम असलम मियां, आओ भाई आओ आओ। भाईजान, नदीम स्टेशन की तरफ शम पक्षु हो गया है। असलम, क्या बेमानी किस्म का तकिया कलाम लिए फिर? जाहिदा बाजी, अजीम भाईजान का इरशाद है कि दुनिया में कोई शख्स बेकार नहीं। बिल्कुल ठीक। खाकसार का कहना है कि कोई लफ्ज बेमानी नहीं। अब देखिए ना, शम पक्षु यानी शीन से शरारत, नीम से माकूल किस्म की, और पैसे पर बगैर किसी नुकसान के, और काफ से कहीं कहीं कभी कभी हंसने हंसाने के लिए शम पक्षु है। बागो मैं शम पक्षु। अच्छा भाई मैं चला। जायदा बाजी, आप उस्तानी होकर भी नहीं समझती, शंपक शू का लफ साफ बताता है कि नदीम स्टेशन पर एक जिगरी दोस्त को शंपक शू करने गया, यानी कि छोड़ने गया, समझे? शंपक गुड़िया वाला। मेरी गुड़िया का है जलवानी डाला, मेरी गुड़िया का है जलवानी डाला, मिले इसे मेरे जैसा कोई दिल वाला। मेरी गुड़िया का है जलवानी डाला, देनी डाला दे निराला। चलती फिरती कली है ये कश्मीर की, चलती फिरती कली है ये कश्मीर की,
दिल है सोनी का और शक्ल है हीर की, हमने इसको मोहब्बत के सांचे में ढाला, मेरी गुड़िया का है जलवानी जला, मिले इसे मेरे जैसा कोई दिल वाला, मेरी गुड़िया का है जलवानी राला रे निराला रे निराला। बंजारन की सहेली की शमी मारा, ये नीलो बंजारन की सहेली की शमी मारा, ये जेबा आशियाने की तीर है जिसने मारा, अब तो सुन ले हमारी भी नीली छत वाला, मेरी गोड़िया का है जलवा निराला, मिले इसे मेरे जैसा कोई दिल वाला, मेरी गोड़िया का है जलवा निराला रे निराला रे निराला। बिछड़ोगी तुम हमसे कल ईद है, आज बिछड़ोगी तुम हमसे कल ईद है, अपनी मजबूरी भी काबिले दीद है, ईद मुबारक कहता है जी तुमको गुड़िया वाला, मेरी गुड़िया का है जलवा निराला, मिले इसे मेरे जैसा कोई दिल वाला, मिली गुड़िया का है जलवा निराला दे निराला दे निराला, मेरी गुड़िया को ईद मुबारक। अब क्या आपको ईद मनाने के लिए चूंकि डैडी के पास हैदराबाद जाना पड़ा, इसीलिए गालिबन गुड़िया वाले को आपके क्लास में लो नदीम मियां का रूप बदलना पड़ा। घबराइए नहीं, नाविल है साईं सन्यासी मलंग, ओ बाबा फेरी दबंग, खोल ले दरवाजा। ना बचवा ना, बाबा के अमन में खलल पड़ेगा, अंदर कुछ मवक्कल हम जात या जिन्नात की सवारी आई होगी। मवक्कल हम जात या जिन्नात, तो फिर कुछ शम पक्षु करना पड़ेगा। हाँ बेटा हाँ, जाओ अभी करता हूँ। पहले ही मालूम था कि ये शम पक्षु की बला नाजिल हुई। इस बला को टालने के लिए आज तक मेरी कॉलेज की फीस और ईद का खर्च यानी 80 रुपए मेरे बाबा से शंपक्षु नहीं किया, हालांकि रोज सुबह वो जाते वक्त यहाँ हाजिरी देते हैं। अरे तुम्हारा बाबा तुम्हारी तालीम पर भी रुपए खर्च करना नहीं चाहता, उनसे छुपकर डॉक्टरी तुम पढ़ाओ और जिन्नाती चक्कर मैं चलाऊं। किसी रोज चाचा खलील को शक हो गया तो इस हकीर फकीर टूटे हुए तीर के सारे निशाने खता हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर ये सारा झापड़ झल्ला नोच कर तुम्हारे अकीदत मंदों को तबर्रुक के तौर पर बांट दूं? ऐसा मत करना, वरना बस्ती में चाचा खलील के गधे से भी ज्यादा जलील हो जाऊंगा। बेटा, ये हमारे पोलम पोल की बदौलत आज 4 साल से तुम्हारी तालीम का ढोल बज रहा है और अभी तक बे आवाज है। आ, 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 आ,
कितनी प्यारी आवाज है मेरे अकीदतमंदों की। सलाम अलैकुम चाचा कले। वालेकुम अस्सलाम। बाबा दबंग आज हो सकता हूँ। आ गया कुंडी खोल कर तराप हो जा बच्चा। बाबा दबंग जिंदा आ जाओ खलील खान। अस्सलाम वालेकुम या मिलो का मिलो माहिरे ताबीदा तो खालो रमल साई सन्यासी मलंग बाबा दबंग बात करूं कहो सब। वैसे आपकी दुआ से बरकत तो बहुत है लेकिन तिजोरी से अक्सर रुपए कम हो जाते हैं। खलील खां आंखें बंद करो ताकि फकीर फाख्ता उड़ा सके यानी तिजोरी का जायजा लेने के लिए मुअल जा सके। निकाल चाबी का गुच्छा। ये तिजोरी चाबी का गुच्छा लेकर दौड़ जा जिन्नात का बच्चा। के लिए पेट का जहन्नुम और सच्चों के लिए मदीना मक्का। ओ शंपक्षु। नहीं 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 80 रुपए से ज्यादा लेना बेईमानी है। बाबा दबंग जिंदाबाद। खुली तिजोरी आंखें बंद हुई नेकी के लिए चोरी। ताकि तेरे घर में भर जाए रुपयों की बोरी। ले आया मोकल चाबी का गुच्छा। इस चाबी की तरह वो सारे रुपए एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौट आएंगे। ले चल जा। बेशक बेशक फकीरों की बातों पर यकीन न करना न मेरे खुदा को पसंद है और न मुझे। अच्छा बाबा सलाम अलैकुम। ताई सन्यासी मलंग बाबा दबंग पहचाने। पहचाने ये लीजिए। कितनी प्यारी आवाज है मेरे अकीदतमंदों की। आठवीं खाली वाला 3 डब्बे वाला रद्दी पेपर वाला। चाचा खलील भाई बात सुनो जरा रुक जाओ। बस खुदा के लिए कुछ कर्ज तो देते जाओ। बच्चों की ईद अच्छी हो जाएगी। मैं तो तुम्हारा पुराना आसामी हूँ। रमजानी बेटे गरीबों की ईद खराब गुजरे ये बात ना मेरे खुदा को पसंद है और ना मुझे पसंद है। बाबा के दरवाजे पर मिला है इसलिए लगा अंगूठा। 100 रुपए का पर्चा है। अगर 1 महीने तक रकम अदा ना की तो जिस तरह चाहूंगा वसूल कर लूंगा। है? क्या ये भी लिखा है? हाँ हाँ कुल 250 रुपए का कर्जा हुआ। अच्छा बाबा अच्छा। ये ले 60 रुपए। 60 रुपए कुल? हाँ। अरे भाई सुबह को तो 100 के पर्चे पर 70 दे रहे थे और मैंने 70 भी नहीं लिए थे। रमजानी बेटे अगर चांद हो गया तो 60 रुपए से भाव गिरकर 50 रुपए रह जाएगा। ले लो मेरे चांद। नुकसान से इसलिए आगा कर रहा हूँ कि ये बात मेरे खुदा को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। अरे भाई क्या मेरा 2 रुपए का पानी का पाइप तो दे। पानी का पाइप? उससे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। हुक्के में लगा कर गुड़ाएंगे 2 टके का पाइप। अजीब बखील है। बखील? अरे चाचा खलील का। शंपक्षु धुआं बता रहा है कि खाना लजीज है। वल्लाह रोजादारों ने बेरोजगारों के लिए क्या क्या तकलीफें उठाई हैं। अरे कम से कम रोजे का तो एहतराम कीजिए। एहतराम भी कीजिए और दोनों पेटू भाई अपनी छोटी बहन का कुछ काम भी कीजिए। इन मुर्गियों को पकड़ कर दरवाजे में बंद कर दीजिए। पता होने वाली है।
ओ मियाँ शंपक शू सलामकुम अच्छा अच्छा सलामकुम ये लीजिए आपकी लिस्ट का सामान क्या क्या लिया भैया लाया हाँ हाँ कुछ भी नहीं झूठ है अरे ठहर तो सही थोड़ी से देख ये तुम्हारा ईद का जोड़ा नदीम ये तुम्हारे ईद के कपड़े और आपने अपने लिए क्या बनवाया है आप हमेशा अपने लिए मामूली कपड़े सिलवाते हैं ये बात अच्छी नहीं भाईजान अरे भाई अल्लाह मियाँ ने मुझे खानदान की सरपरस्ती का रुतबा अता फरमाया है और हर खानदान के सरपरस्त का फर्ज है कि वो अपने हाल की बजाय छोटों के मुस्तकबिल को शानदार बनाने की कोशिश करे और फिर जिस दिन तुम बीए की डिग्री लोगे उस दिन तुम्हारी डिग्री की सारी शान मेरे इन सादा कपड़ों से जाहिर हो मेरे अच्छे भैया हो गई अब तो हम नमाजियों से भी डरने लग गई अच्छा तो आप सीधे ईदगाह से नाजिल हुए हैं मेरे बाबा को क्यों नहीं लाए ओहो मेरी नज्जो जरा समझने की कोशिश तो करो इन खुली हुई खिड़कियों और दरवाजों ने हमेशा तुम्हारे बाबा को हम दोनों के दरमियान देखा है आज ईद के दिन तो इन गरीबों को एक नया नजारा देखने दो मेरा मतलब है ईदी शुक्रिया जीती रहो बाबा देखी अरे भाई कहाँ हो इधर आओ अपनी ईदी तो ले लो शुक्रिया बाबा जी ईद मुबारक ईद मुबारक मेरी बच्ची ईद मुबारक खुदा तेरी तालीम को जारी रखने के लिए मुझ माजूर की मदद फरमाए आमीन भाई कौन है जी मैं संपर्क हूँ असलम ओह आओ आओ बेटा आओ अस्सलाम वालेकुम जीते रहो बेटा जीते रहो कैसे आना हुआ जी हिस्सा लाया हूँ ओहो चाचा खलील ने हिस्सा बांटा है देखूं भैया बखील ने बनाया क्या है उंगली में चपक गई कम्बख्त बड़ी लेजदार है चाचा फिक्र ना करें मैं भी घर जाके एक और प्लेट ले आता हूँ फिर शंपक शू कर दूंगा मेरा मतलब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तेरी कुदरत आज अगर चाचा के पास आंखें होती तो ईद के दिन सेवैये के बजाय जूते शंपक शू होते अस्सलाम वालेकुम फूफी जान ईद मुबारक जीते रहो बेटा अरे फूफी जान आज ईद के दिन भी आप रो रही है रो नहीं तो और क्या करूं बेटा इस ईद पर तकदीर ने एक हफ्ते की दुल्हन को बेवा बना दिया यही सदमा क्या कम था आज अड़ोस पड़ोस वाले अपनी लड़कियों को मेरी बच्ची के साये से भी दूर रखते हैं ज़हदा का किसी कोने में नहीं छुपाया अपनी तकदीर को आंसू बहा रही होगी ज़हदा
इधर आओ बेटे। अरे इन्हें मिलने में जरा सी देर हो गई तो बीजादा ऐसे रोने लगी जैसे बचपन में तस्वे बहाया करती थी, है ना? और मैं आकर दामन से नाक पोंछ दिया करता था। चलो अब चुप कर आदाब करो वरना ईदी नहीं मिलेगी। आदाब। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप लो भाई ये रही तुम्हारी। अरे लो, जाहिलों की बातों में आकर अगर तुम जैसी वाली दिमाग लड़की हौसला हार जाएगी तो गलत रस्म रिवाज की इसलाह कैसे होगी? ज़ाहिदा, तुम में इतनी खूबियां हैं कि तुम्हें अपनाने वाला अपनी किस्मत पर नाज करेगा। ईदी के साथ इस हौसला अफजाई का शुक्रिया। शुक्रिया हम उस वक्त कबूल करेंगे जब जी। मेरा मतलब है आज हम सब मिलकर ईद मनाएंगे। खूबी जान, जाहिदा ने जो कुछ तैयार किया है साथ लेकर हमारे यहाँ चलिए। चलिए उठिए जाहिदा, तुम क्या खड़ी हो, जल्दी से कपड़े बदल लो ना। चलो 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 उठिए खूबी जान, चलिए। शंपक्षु, सिवाय मेरे घर के तमाम घरों से आया हुआ हलवा शंपक्षु की तरफ से। माशाल्लाह बेटे, सुभान अल्लाह। आजीम मियां, खाना सामने आ जाए तो हाथ रोक के रखना, न मेरे खुदा को पसंद है और न मुझे। मैं तो शंपक्षु करता हूँ। बिस्मिल्लाह। अरे भाई ठहरिए ठहरिए, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज आपस के खुलूस और मोहब्बत की वजह से हम गरीबों के दस्तरखान पर भी नेमत ही नेमत है। माशाल्लाह। अच्छा प्रिंसिपल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, नदीम तो हमारे कॉलेज का ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसकी फीस की मोहलत देने के लिए आप खुद ना आया कीजिए, सिर्फ दरखास्त लेकर भेज दिया कीजिए। अच्छे तालिब इल्मों को सहूलत पहुंचाना हमारा फर्ज है। बहुत बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए जनाब अपना चौकता। अरे दिखा दो। अब बता। वापिस आ गए हो नदीम। भाईजान, तुम घर से तो ये कहकर आए थे कि कॉलेज इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में जा रहे हो, ये सब क्या देखा हूं? अफसोस, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपने घर के हालात जानते हुए भी इस वफलत का शिकार हो जाओगे। माफ कीजिए, आपको हमारे मुताबिक गलत फहमी हुई। नाहिद, ये मेरे बड़े भाई हैं। मोहतरमा, आप बीच में ना बोलिए, इसलिए कि मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, समझते हैं आप? इनको समझाने वाले आप कौन हैं? डैडी, डैडी नदीम के बड़े भाई जा। तुम चुप रहो, चले जाओ अपने कमरे में, और तुम फौरन मेरी निगाहों से दूर हो जाओ। आप ठहरिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आपको मेरी कोठी में इस तरह आकर मेरी बच्ची को जलील करने की जुरत कैसे हुई? सेठ साहब, गरीब समझकर आप मुझे दबाने की कोशिश ना करें। आपको इस जाति की मुझसे माफी मांगनी होगी। माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता सेठ साहब, अलबत्ता छोटे भाई की नादानी से शर्मिंदा जरूर, लेकिन यह नादानी यकतरफा नहीं। आपकी दुख्तर जवान है, तालीम याफ्ता है, आपको मुझसे ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए। खामोश रहो, तुम अपनी हद से बढ़कर बात करने के आदी मालूम होते हो। माफ कीजिए, इंसानियत की हद अगर अल्लाह ने दौलत और गुर्बत से मुकर्रर की होती तो फर्श खाक पर सोने वाले शहंशाह दो आलम, मगरूर सरमायादारों और फिरौन नुमा बादशाहों के सामने हक की बात कभी ना कहते। हक बात कहना मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान है, और उसका तस्लीम कर लेना ईमान और अक्लमंदी की दलील है।
तशरीफ रखिए। जी जी तशरीफ रखिए, आइए आइए कबला, तशरीफ रखिए। नदीम मेरी इकलौती बच्ची की पसंद है, मैं सिर्फ उसके खानदान को देखना चाहता था, सो आपको देख लिया। मुझे अपनी इकलौती बच्ची के लिए इससे अच्छा खानदान नहीं मिल सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुबारक फर्ज से सुखदोष होने में आप मेरी मदद फरमाएंगे। आपकी इस कदरदानी का बहुत बहुत शुक्रिया शेर साहब, लेकिन लेकिन मैं आपको ये बता देना अपना फर्ज समझता हूँ कि हमारे पास एक छोटे से मकान और दो वक्त की रोटी के सिवा कुछ भी नहीं। आपके पास बहुत बड़ा सरमाया है, शराफत, जो कभी साथ नहीं छोड़ती। मेरे पास दौलत है, जो कभी किसी एक का साथ नहीं देती। आज मेरे पास तो कल किसी और के पास। शराफत इस रिश्ते को निभाती है, दौलत सिर्फ उसकी कीमत अदा कर सकती है। बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन शेर साहब ये शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मैं अपनी छोटी बहन का डोला ना रुसत कर लूं। मालूम होता है कि इन पर अल्लाह का खास फजल करम है सेठ जी। वो हैदराबाद में आपके रिटायर्ड फौजी दोस्त है ना? हाँ हाँ हाँ, वही जिनके लड़के ने अभी अभी डॉक्टरी पास की। आप बेटे के अलावा दुनिया में उनका कोई नहीं है सर। ओहो, खूब याद दिलाया सेक्रेटरी तुमने मुझे। भाई अजीम साहब, बहू उन्हें ऐसी चाहिए जो खानदारी की तमाम जिम्मेदारियां संभाल सके। मैं इंशाल्लाह उन्हें हैदराबाद से बुलवाकर आपसे जरूर मिलवाऊंगा। मेरी तहरा अल्लाह के फजलो करम से जहां भी जाएगी एक नेमत साबित होगी। अगर उसकी जिंदगी सुखी गुजर गई तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर अदा नहीं कर सकूंगा। बस यही जुमला मैं अपनी नाहिद के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। नाहिद, क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ मेरे साथ। वही हुआ जो हर नावल और हर फिल्म में अमीर लड़की और गरीब लड़के की मोहब्बत का अंजाम हुआ करता है। हाँ नदी, इसके बाद जो होता है उसे भी पूरा करते हैं। खुदकशी। पहले तुम ना मैं, दोनों साथ। तो फिर आओ। मरने से पहले एक गाना गा ले। दिया मौजों को हमने डूब कर
घर बना दिया, और हमको दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया। किस्मत ने हम सफर को है, किस्मत ने हम सफर को है मंजिल बना दिया, और हमको दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया। मजनू से हम भी कम नहीं, ताजीम कीजिए, हमने भी खाक छानी है तस्लीम कीजिए, हमने भी खाक छानी है तस्लीम कीजिए। लैला बना दिया तुम्हें, लैला बना दिया तुम्हें महमिल बना दिया, अरे हमको तुम्हें कातिल बना दिया, और हमको दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया। अब हर कदम पे आपके पीछे चलेंगे हम, आपके पीछे चलेंगे हम, सरकार खुश रहे ये तमन्ना करेंगे हम, ये तमन्ना करेंगे हम। वल्ला नाज करने के, वल्ला है नाज करने के काबिल बना दिया, और हमको दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया, हमको दुआएं दो तुम्हें पापी बना दिया। थैंक यू मिस्टर, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कसम का आदमी हूं, इसलिए चाहे किस्सा मांग कपड़े जेवर की बकवास ना करना चाहता हूं ना सुनना चाहता हूं, लेकिन लड़की देखे बगैर बात सच्ची नहीं हो सकती जनाब। किबला, हमारे यहां ऐसा कभी हुआ नहीं। भाई लड़के को एक जरूरी काम से हैदराबाद रुकना पड़ा, वरना वो आप देखना चाहता था। अब लड़के का बाप देखना चाहता है, इतने भी रात नहीं। भाईजान, फूफी जान आपको बुला रही हैं। माफ कीजिए, अभी हाजिर हुआ। मैं सहरा को दरवाजे पर ले आती हूँ, उनसे कहो कि वो सामने शीशे में देखे। लेकिन शीशे में क्यों? खुदा ना खास्ता लड़की लंगड़ी या लूली तो नहीं। शेख साहब, चलिए यूं ही देख लीजिए, क्या हर्ज है। असलम, जरा शीशा ठीक कर दो। जी भैया। चीते रहो बेटी, चीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर शेख साहब, इस माह की 10 तारीख बरोज जुमा डॉक्टर एजाज की बारात के लिए और हफ्ते के दिन मियां नदीम की बारात के लिए तय हो गई। क्यों,
ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई अल्लाह मुबारक करे। मुबारक हो अभी इम्तहान बहुत बहुत शुक्रिया। भाई नदीम मियां शादी मुबारक हो। नदीम साहब ये है मकान की दस्तावेज, अब आप रहनामा निकालिए। चाचा जी मकान इनके पास रहन रखने की बजाय ये 10,000 रुपया आपको देना चाहिए था। बुरा ना मानिए, आपके पास इतनी सारी जायदाद जो है उसमें आखिर कुछ हिस्सा तो हमारे बाप का भी जरूर होगा। अब फिर वही बात कहता ना, मैं अगर हिस्सा होता तो तुम्हारे पास उसका कागज जरूर होता, और कागज खुद मुंह से बोला करते हैं। भतीजे जी मेरे दिमाग में उल्लू ने बच्चे नहीं दिए। लो पढ़कर फौरन दस्तखत कर दो बेटे। पढ़ो बेटे। ये लीजिए पूरे 10,000 रुपए हैं, गिन लीजिए। ठीक ही होंगे? बिल्कुल ठीक होंगे। रकम जबान से कहकर कम देना न मेरे खुदा को पसंद है और न मुझे। नहीं नहीं इनको जाओ अजीम मियां, तुम ताहिर और नदीम की शादी का बंदोबस्त करो, मैं इनकी खातिर मुजारात का इंतजाम करता हूँ। जाओ। सलामुलेकुम। खुदा हाफिज़। जाओ। रोमिया वसीका नबी ये अपनी फीस 20 रुपए। 20 रुपए? ये तो उस गरीब के मकान को जब्त करने का रहनामा लिखने की फीस है। मेरे सेठ बनने की फीस? मैं वसीका नबी से सेठ बना दिया तुम्हें, फीस तुम्हें अदा करनी चाहिए या मुझे? मैं वसीका खास आप कैसी छोटी बातें करते हो, हमारी और तुम्हारी फीस दो दो। ये लो पढ़ो इस कागज को। अजीम के मरहूम वालिद यानी मेरे भाई की जायदाद का कागज है। जायदाद है तो मेरे कब्जे में, लेकिन ये कंबख्त कागज कुछ उल्टी बोली बोलता है। इसकी बोली सीधी कर दो, मुंह मांगी फीस दूंगा। चाचा जी ये कागज तो चीख चीख कर कह रहा है कि लाखों की इस जायदाद के हकदार अजीम नदीम और ताहिरा हैं। चूंकि बच्चे छोटे थे इसलिए वसीयत नामे की रूह से आप इसके निगरान हैं, यानी चौकीदार। इस कागज की बोली नहीं बदली जा सकती। इसीलिए मैंने इस कमीने कागज का गला घूट कर कलेजे से लगा रखा है। नदीम और अजीम और ताहिरा को तो इसकी कोई खबर ही नहीं है। बच्चे से बड़े हुए, अब शादियां हो रही हैं, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, फिर सिर्फ मौत की मंजिल बाकी रह जाती है। यानी के अल्लाह मेरी तंदुरुस्ती कायम। लंपक झम कहीं पर्दा तो नहीं भूल जा? नहीं नहीं बेटे, तेरी बहने बैठी है। जी हाँ जी हाँ। नजमा को छोड़कर है ना। मेरी प्यारी प्यारी बहन, तुम्हारी शादी में सारे भाइयों और बहनों से ज्यादा कीमती सामान तुम्हारे असलम भाईजान पेश कर रहे हैं। 20,000 की गाड़ी, कार, मोटर कार, शंपक्षु। कार? उस कार के आगे भी गधा तो नहीं बंधा होगा? जी वो तो मेरी गाड़ी के आगे बंधी होगी, गधी बोलने वाली। देखो तायरा, नुमाइश का सीजन टिकट खरीद कर लाया हूँ। बाजी पहला इनाम कार है, अब इनाम तुम्हारे नाम निकले या ना निकले, भाई ने बहन को कार दे दी, आगे तुम्हारे नसीब। और इस तोहफे की खुशी में सारा खानदान बमे हम दोनों के। अब्बा जान, भाई जान, फूफी जान, इस बस्ती के सारे मेहमान हमारे साथ नुमाइश चलेंगे। चंपकचु या ओलंपक।
लंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू ए चक्कर में है दुनिया सारी चक्कर में है दुनिया सारी क्या मैं क्या तू ओलंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू कोई कहता है बानो चीज मिले जो सुथरी तो उसे गनीमत जानो तिगड़म डूडू तिगड़म डूडू तिगड़म डूडू कोई कहता है डालडा कोई कहता है बानो चीज मिले जो सुथरी तो उसे गनीमत जानो क्योंकि असली घी हाँ असली घी तो हो गया शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू हे चक्कर में है दुनिया सारी क्या मैं क्या तू ओलंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू की खातिर कुछ लोग यहाँ है आते अपनी माँ बहनों को जाने क्यों भूल है जाते ताक झांक की खातिर कुछ लोग यहाँ है आते अपनी माँ बहनों को जाने क्यों भूल है जाते देखो अच्छों के बच्चों से शराबत हो गई शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू हे चक्कर में है दुनिया सारी क्या मैं क्या तू ओलंपक झंपक शंपक शू ओलंपक झंपक शंपक शू इजाजतनामे की स्लिप पर दस्तखत कर दी आप लोग यहां क्यों खड़े हैं एक तरफ बैठ जाइए चलिए डॉक्टर साहब मरीजा का क्या हाल है दाया पांव टूट गया है घबराइए नहीं हड्डी सेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह प्लास्टर के बाद बैसाखी के सहारे चल सकेंगे Thank you.
रहे हो इसलिए कि ताहिरा लंगड़ी हो गई और कल उसकी बारात आने वाली है। सच्चाई का तकाजा यही है कि लड़के के बाप को जाकर सच सच कह दूं, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, लेकिन ये जानने के बाद लड़के वाले रिश्ता खत्म कर देंगे और ये रिश्ता टूट गया तो नदीम की शादी का भी अल्लाह ही हाफिज है। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे बहन भाई के शानदार मुस्तकबिल को मलिया मेट कर देगी। हे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने सिर्फ सच्चाई ही दुनिया में नहीं बल्कि अक्ल भी नाजिल की है, कहीं सच्चाई से काम लेना चाहिए और कहीं अक्ल से। आपका मतलब है मैं झूठ बोलूं? तुम्हें झूठ की फिक्र है, जान पर आन बने तो हराम भी हलाल हो जाता है। अगर ये बारात लौट गई तो ताहिरा बेमौत मर जाएगी। निकाह होने तक न झूठ कहो न सच बल्कि खामोश रहो। रुखसती के वक्त हम सब दूल्हा और दूल्हा के बाप को समझा लेंगे कि भाई यही हादसा अगर तुम्हारे घर जाकर हो जाता तो तुम क्या कर लेते। निकाह के बाद कोई मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। रो रहे हो इसलिए कि ताहिरा लंगड़ी हो गई और उसकी बारात आने वाली है। सच्चाई का तकाजा यही है कि लड़के के बाप को जाकर सच सच कह दो, ठीक है ना? जाने के बाद लड़के वाले रिश्ता खत्म कर देंगे। अगर ये बारात लौट गई तो ताहिरा बेमौत मर जाएगी। निकाह होने तक न झूठ कहो न सच बल्कि खामोश रहो। अरे भाई नदीम मियां, अजीम साहब कहाँ हैं? उन्हें बुलवाइए ताकि। हाँ भाई जल्दी बुलवाइए ना, अभी ले आता हूँ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिए, निकाह से पहले मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जी तशरीफ लाइए। अच्छा चलिए। अर्ज ये है कैप्टन साहब के निकाह से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परसों शाम ताहिरा अचानक एक हादसे का शिकार हो गई, उसका दाया पांव टूट गया। आपको ये बारात आने से पहले बताना चाहिए था ताकि हम बारात लेकर ही आते। नहीं नहीं ऐसा न कहिए, निकाह के बाद मैं उसके इलाज की खातिर अपने आप को भेज दूंगा और फिर रुखसती से पहले पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी बहन माजूर न रहे। जज़ाकअल्लाह, मैं आपकी इस कोशिश की कद्र करता हूँ। माजूर बहन को बहाने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला है आपने। मेरा माथा उसे दिन ठंका था जिस दिन के लड़की को सामने लाने के बजाय शीशे में दिखाया गया था। किबला कैप्टन साहब, इनकी सच्चाई पर तरस खाने की बजाय आप इन पर झूठ का इल्जाम लगा रहे हैं। हुजूर आप ना समझाइए, आपके समझाने ही से तो नौबत कहां तक पहुंची है। आपको तो अपनी बेटी की मनमानी शादी की फिक्र है। मैं आप दोनों के मतलब के खातिर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। बारात वापस जाएगी और अभी जाएगी। मैं आपकी बहुत बढ़ता हूँ शेख साहब, बारात वापस चले जाएगी वरना उस बहादुर की जिंदगी तबाह हो जाएगी।
अगर निकाह के बाद आपके घर जाकर ये हादसा पेश आ जाता उस वक्त आप क्या करते? लंगड़े के साथ लंगड़ा कर चलने वाला हमदर्द नहीं बेवकूफ होता। मैं अपने बेटे की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। बारात वापस जाएगी। शेख साहब बारात वापस न ले जाइए। मैं भरी महफिल में आपके कदमों में सर रख दूंगा, लेकिन बारात वापस नहीं जाने दूंगा। मेरे जीते जी तारा की बारात वापस नहीं जा सकती। छोटे कहेंगे शेख साहब। भाई जान, शेख साहब जरा बात तो सुनिए। नदीम मेरे रोक दो नदीम, बारात वापस चले जाए। शेख साहब चुप हो जाए। नदीम मेरे रोक दो। हाय हो गया। दुल्हन के पांव टूटने की खबर सुनकर दूल्हा और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। बारात वापिस चली गई। दुल्हन के बड़े भाई की हालत बहुत खराब है। अजीम साहब, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। आपके गम का मुझे पूरा पूरा एहसास है, लेकिन शहर की तमाम मुअज्जिज हस्तियां कल नाहिद की शादी में शरीक होने के लिए मेरी कोठी पर जमा हो जाएंगी। वक्त इतना कम है कि समझ में नहीं आता क्या करूं। माफ कीजिए, जिस घर में बहन की सिसकियां गूंज रही हैं वहां भाई के लिए शादी आने नहीं बच सकती। ये शादी नहीं होगी। कीजिएगा, दुनिया की बहनें अपने भाइयों को सुखी रखती हैं। मैं वो बदनसीब बहन हूँ जिसने अपने भाइयों की आंखों में आंसू ही आंसू भर दिए। कल आपकी बारात भी रुक गई तो सारी दुनिया यही कहेगी कि मनहूस बहन ने अपने भाई के बहने में भी आग लगा दी है। तारा, नदीम, अब इस घर में तुम्हारी दुल्हन की सख्त जरूरत है ताकि वो दादा की भाभी बनकर नहीं बल्कि बड़ी बहन बनकर उसके असूल को मुस्कुराहट में बदल दे। हाँ कह दो भैया, हाँ कह दो भैया, हाँ कह दो नदीम भैया। चली आई। बाप ने ससुराल भी खिदमत करने के लिए साथ भेजा होगा। अरे जहेज का सारा सामान तो ट्रक पर आया था। जितना कलमा शरीफ का तमरा कलेजे से लगाए हैं। नहीं, दुल्हन भाभी की मरहूम माँ की तस्वीर है जो उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? जाओ ऊपर जाकर दुल्हन का कमरा ठीक करो। आज से इस घर को ससुराल नहीं मैं का समझना। आज मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और दादा तुम्हारी चोटी है। इस मासूर को कदम कदम पर तुम्हारे सहारे की जरूरत है भाईजान। इंशाल्लाह
मैं ताहिरा को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगी। नाहिद, सिर्फ अपनी जान से ही नहीं बल्कि सुहाग से भी ज्यादा अजीज समझना। नतीजा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी नदीम। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, खुश रखे। देखो कितनी अच्छी लग रही हो अन्ना माई। माए सदके आई। क्या है ये, जरा बाहर रख दो। अरे जे अंग्रेजी चिमटे लगा लगा कर कमारी लड़की को फुलझड़ी ना बनाओ। यहाँ की अड़ोसन पड़ोसन छोटे ख्यालात की हैं, बातें बनाएंगी। क्या नींद के नशे में मुझे सीधी बका करती हो। बकती नहीं हूँ, ठीक कहती हूँ। मैं दुनिया को खूब जानू हूँ, समझाती हूँ। समझो तो अच्छा है। अन्ना माई, भाभी जान को समझाने के लिए अल्लाह सलामत रखे, अब छोटे भाई जान काफी है। तुम जाकर मुर्गियों को दाना दे दो और खाना गर्म कर दो। चल अल्लाह मारी, इस घर में ना कहीं आना ना कहीं जाना, बस आदमियों का खाना और मुर्गियों का दाना ही रह गया है। भाभी जान, बड़े ताज्जुब की बात है कि अन्ना माई अभी तक आपके बंगले का आराम नहीं भूली। लेकिन आप उस शानदार बंगले को भुलाकर हमारे इस छोटे से मकान में कितनी खुश हैं। ताहिरा, खुशी बड़े बड़े बंगलों और शानदार फर्नीचरों से नहीं, दिलों की मोहब्बत से पैदा होती है। बड़े भाई जान की शफ़त और तुम्हारे बेलौस प्यार ने छोटे से घर को मेरे लिए एक रंगीन जन्नत बना दिया है। और इस जन्नत में दाखिल करने वाले दरबार की कोई तारीफ नहीं जी। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। मेरे हुजूर, अगर औरतें ना होती तो मर्दों की सारी दरबारी भी मायने होकर रह जाती। अच्छा वो आप आ गए भाई जान, मेरी आंखें फुलवल्ला पड़ रही थी। नहीं भाईजान, ने तुम्हें कल भी कहा था कि हम भाइयों का इंतजार न किया करो, ताहिरा को पहले खिला दिया करो। बहुत अच्छा दरबान साहब, आप भी चोला बदल कर ठूंसने आ जाइए। चलो ताहिरा। अरे सालन जलने की बू आ रही है। अरे अन्ना माई, तुझे खुदा समझे सालन जला दिया। क्या बोलो बीबी, मेरा दिल घटता है। हांडी चढ़ा के मुर्गियों को दाना डालने चली गई थी, वापस आई तो पेंदे में सालन चिपक गया। माफ करना, तुम तो गिंदा तुमती रहती हो। हमारी तो खैर है, मगर मर्द जला हुआ सालन कैसे खाएंगे। मर्दों का खाना और मुर्गियों का दाना एक ही वक्त में करवाओगी तो ऐसा ही होगा। अन्ना माई, यहाँ जरा होश और जबान दोनों संभाल के काम किया करो। चलो बाहर निकलो, सालन हम दोनों ठीक करेंगे, तुम जाके कमरे में प्लेटें लगाओ। सब्जी वाला देर से आया था भाईजान, इसलिए देर होगी। वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अरे भाई नाही, हमें भी खाना दे दो, आज भूख ने पटरा कर दिया। अरे मेरे साथ खा लो। आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। भाभी, यहाँ भी आते चारों कुल एक साथ पड़ रही हैं। आज हमें खाना नहीं मिलेगा भाभी। दुल्हन, मैं कह चुका हूँ कि मुझे ताहिरा से पहले कभी खाना न दिया करो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तारा ने अभी तक खाना नहीं खाया। नहीं, बड़े अफसोस की बात है, मैंने भी हमेशा तुम्हें यही कहा है कि इस घर में सबको भुला देना, लेकिन माजूर ताहिरा को ना भुलाना।
माशाल्लाह आप भी बड़े भाईजान की तरह बहन की मोहब्बत में बिल्कुल दीवाने बन गए। ताहिरा तो मेरे तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना होकर उस गरीब का ख्याल भुला दूं? इतनी जल्दी बदल गई तुम? ऐ मियां, बदलने वालों पर खुदा की मार, जरा सी बात का बतंगड़ बन गया। कम से कम आपको तो मेरी खिदमतों का एहसास होना चाहिए। आपने भी ऐसी बातें शुरू कर दी तो मैं अपने बाप के घर चली जाऊँ। मैं ऐसी बकवास सुनने का आदी नहीं, समझी? ऐ मियां, उस्ताद हूँ तो खाना खा ले। ए बीबी, इतना ना रो के मैं तुमको संभाल ना सकूं। मैं तो कदम रखते ही भाग गई थी कि ये जेठ और ननंद उन्हीं में से हैं जो ससुराल में बेचारी भावज का सांस लेना भारी कर दें। मुझे तो उससे शिकायत है जिसकी खातिर मैंने दिन रात एक करके नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अब मेरी मां तो इस मुमकिन को नामुमकिन बनाना शुरू करो। अभी शौहर हाथ में आ सकता है, ऐसे एहसान फरामोश भाई बहन का चक्कर अल्लाह ना करे तलाक तक नौबत पहुंचा देता है। मगर आखिर ऐसा क्यों? मुझे ये तो समझाओ ना भाई, अगर दुनिया को इस सवाल का जवाब मिल जाता तो सास नंद जेठ से बेचारी बहुएं अपने मियाँ को लेकर अलग क्यों होती? अरे सामसन पोलिए की फितरत ही में रसना होता है। मेरा थोड़ा सा हाथ बटा दो अन्ना माई, सुबह से काम करते करते थक गई। तुम्हारी तो जिंदगी गुजर गई है ये काम करते करते। जब तुम्हारा ये हाल है तो जिसने नहीं किया था उसका बीमार होना तो ठीक हुआ ना? बेचारी बुखार में गुम सुम पड़ी है। भाभी जान को बुखार चढ़ गया है? अरे चढ़ा नहीं, तुम लोगों ने चढ़ा दिया है। अब जब तुम्हारे बड़े भैया और छोटे भाई आए तो उन्हें ये मुसीबतें दिखाकर बुखार से सरसाम चढ़ा देना मेरी बच्ची को। ऐसा न कहो ना भाई, मैं तो दोनों भाइयों से छुप कर काम करती हूँ। वो तो समझते हैं कि सारा काम तुमने और भाभी जान ने किया है। चलो जरा मेरी भाभी जान को पूछ लो। चलो। अच्छा नदीम, खुदा हाफिज़। अबे जाता कहाँ है, आधे पैसे निकाल। तुम चलो बेटी, जब तक तुम अपनी भाभी के पास बैठोगी मैं दो एक कपड़े ही धो लूंगी। जा। शुक्रिया। कोई बात नहीं यार, आज तू दे दे कल मैं दूंगा। अबे जा, जैसा तेरा कंजूस बाप वैसा ही तू। अन्ना भाई, आज तो पूरा धोबी घाट लगाया हुआ है, समझा ये सब बकरा ईद की तैयारियां हैं। अरे भैया, क्या ईद क्या बकरा ईद, सब तुम्हारे सदके में है। जब शहजादी जैसी बच्ची ने तुम्हारी गुलामी कर कर के बीमारी मोल ले ली तो मैं क्या, मेरी औकात क्या, क्या पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा। नाहिद की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन क्यों? अरे मेरे भोले राजा, मुझे तो ये नाजो भली बच्ची इस घर से जिंदा जाती हुई दिखाई नहीं देती। काम कर कर के तो उसकी नस नस टूट गई है। और फिर माफ करना, इस घर में इसका सिला इल्जाम और जलन के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, मैं दुनिया को खूब जानू हूँ। नगमा, नगमे, अरे क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? अरे तुम पास हो गई फर्स्ट डिवीजन में, संपर्क क्यों हो गई? मुबारक हो तुम्हें। जीती रहो,
हाय हाय हाय, मेरा मुंह मीठा करेंगे, मिठाई लेकर खड़ी हो। अरे अरे, ये मिठाइयां तुम्हारे बाबा के लिए आई हैं, और मेरे बाबा उन्हें लाने गए हैं। जल्दी से शंपक शुरू हो जा। तुम्हारा बाप मेरे बाप को लाने गए हैं? बाप रे बाप, शंपक शुरू। अरे मिठाई, तुम यहाँ कैसे? और तुम? जी वो पास हो गई। कौन पास हो गई? वो ये मिठाई पास हो गई, बिल्कुल पास। जी शंपक शू, मिठाई पास हो गई है? क्यों जी, तुम्हारे दरवे से मेरा मुर्गा कैसे निकला जी? नजमा को पास होने की मुबारकबाद देने आया होगा। आइए आइए, तशरीफ रखिए। पहले नजमा के मैट्रिक पास होने की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। मियां, मिठाई तो घर ले जाकर आराम से खा लेंगे। इस वक्त मुझे असलम से फौरन कुछ पूछना है। वैसे मुबारकबाद दिए देते हैं, अब नजमा भी किसी स्कूल में उस्तानी बनकर 150 कमा ही लेगी। तुम्हारी इस खट्टी की खटाखट की आमद अभी थी कितनी? मैंने तालीम रुपया कमाने के लिए नहीं दिलवाई। तालीम याफ्ता लड़की पढ़े लिखे लड़के के साथ अच्छी तरह निपटती है। बेटी का बाप हूँ, इसलिए आपको गरीब खाने पर बुलाया है। फिर भी जबान इजाजत नहीं देती। मेरा मतलब है कि नजमा को आप अपनी बेटी बना लीजिए। क्या मतलब? यानी तुम्हारी बीवी से निकाह कर लूं? ला हौल वला कुव्वत। खलील साहब, आपका दिमाग खराब हो गया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ और मैं ये फरमाना चाहता हूँ कि दिमाग तेरा खराब हो गया है बुड्ढे। मैं तो लौंडे की घबराहट से भाग गया था। अबे चिमटे, हाथी के पांव से रिश्ता बांधना चाहता है? कहां चाचा खलील जैसा दौलतमंद, और कहा खड्डी की खटखटाहट में रहने वाला जुला। ऐसा बेजोड़ रिश्ता न मेरे खुदा को पसंद है और न मुझे। खामोश, मैं साहब को मतलब के सांचे में ढालने वाले जलील, तेरे ही जैसे हिरसोहवस के बंदे खुदा और रसूल का पाक नाम ले लेकर ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों की शान पर आंच आती है। असलम ने तुझसे छुपकर तालीम हासिल की थी, वो अनकरीब डॉक्टर बनने वाला है, इसीलिए मैंने इस रिश्ते की ख्वाहिश की। क्या कहा? उसने छुपकर तालीम हासिल की है? समझ गया, अब तक जितने रुपए मेरे गायब हुए हैं उन रुपयों से असलम और तेरी लड़की ने तालीम हासिल की है। अंधे चोर, तूने मेरे लड़के को चोरी सिखाई है। मैं तेरा इस बस्ती में रहना दूबर कर दूंगा, तुझे इस चोरी का मजा चखा दूंगा। मैं जानता हूँ तू बदमाशों के जोर पर सूद का धंधा चलाता है। मैं इस बस्ती को ही छोड़ दूंगा जहाँ तेरे जैसे जलील दुश्मन रहते हो। हट बुड्ढे, असलम के बच्चे चोर का साथी है। बाबा। ना रो बेटी, ना रो। इस दुनिया में खुशी कम और गम ज्यादा है। माजूर तहरा की जिंदगी से सबक हासिल करो। अन्ना माई, जरा तस्वीर रखकर मुर्गियां बंद करने में मेरी मदद करो। कल बकरीद की सुबह को सबसे पहले बिटिया अम्मा की तस्वीर पर फूलों का हार डालेगी। ए अम्मा की तस्वीर से मुर्गियों का बंद करना कोई ज्यादा जरूरी तो नहीं? कई दिनों से मुसलसल काम करते करते मेरी टांग में बहुत सख्त दर्द होने लगा है। खुदा का वास्ता, मुर्गियां बंद कर दो। जो भी परेशान करेगा उसको। हाँ।
अन्ना माई, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आपका मतलब है कि अन्ना माई ने ही शीशा तोड़ा है? ये नामुमकिन है। अन्ना माई तो मुझसे ज्यादा इस तस्वीर का एहतराम करती है। मर्दों की तस्वीर का एहतराम करना और जिंदों को ठोकरों से उड़ाना, क्या बड़े घर में पलने वालों का यही दस्तूर होता है? क्या बात है भाईजान, क्या हो गया? इस बाजूर के साथ इस घर में जो कुछ हो रहा है, अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तुम्हारी बीवी की शह पाकर इस जालिम ने ताहरा को धकेल दिया। अगर मैं तनख्वाह न लेता तो शीशे से टकरा के उस गरीब का मुंह लाल हो जाता। मैं इस कमबख्त को घर में नहीं रहने दूंगा, कभी नहीं रहने दूंगा। भाईजान आपको गलतफहमी हुई है, मैं बैसाखी संभाल न सकी। अन्ना माई ने मुझे नहीं गिराया। मैं सच कहती हूँ, ये दोनों तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सुन लिया आपने, छोटा कुछ है इंसान कुछ लगाया जाता है। तोबा तोबा हट हो गई। भाईजान क्या हो गया है आपको? बगैर सोचे समझे आजकल आप नाहिद और अन्ना के मामले में जो मुंह में आता है बक जाते हैं। नहीं भैया, की तरह आप भी बड़े भाईजान के संपत्ति पर उतर आए। सारे फसाद की जड़ तो तू है कंबर। के दिन छोटी बहन को ईदी देना भूल गए हो तो कम से कम माफी देना तो याद रखो। वैसे मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, इस घर से अन्ना मायना निकाली जाए इसलिए मैंने बड़े भाईजान के सामने कल झूठ बोला था, वो सच्ची थी। उनके सामने कुछ जहर उगलती है और मेरे सामने कुछ और बातें बनाती है। तुम लोग मेरी हंसी और खुशी से भरी हुई जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। नदीर तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। जिस भाई ने माँ की तरह पाला और बाप की तरह इस काबिल बनाया कि आज उसके बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ सको, उसकी यही बेइज्जती। तुम बीच में मत बोलो, समझे? कैसे ना बोलो, अरे दुश्मन भी आज बाहें फैलाए तो लोग लिपट जाते हैं। शर्म करो कि खुदा की बारगाह में बड़े भाई का फैला हुआ हाथ तड़पता रहे और छोटा भाई किबले से मुंह फेर कर चला आया। बकवास बंद करो, दूसरों को शर्म दिलाने वाले, जा पहले उस कंजूस की इसलाकर जिस पर सारा मोहल्ला थूकता है। होछों का खून हमेशा गैरों पर उछलता है। नदीर अफसोस आजीद है और तुम रिश्ते में मेरे भाई हो। ईद मुबारक भाभी। ईद मुबारक। चलिए कर रही हो, आज खुशी के दिन इस तरह न जाओ। बेटी अजीम या ताहरा से कोई ज्यादती हो गई हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे ये आप क्या कर रही है? अरे यही तो बात को बतंगड़ बनाने वाली हरकत है। बूढ़ी होकर पाँव को हाथ लगा रही हो, ये पाँव अब रुकने वाले नहीं हैं। हाँ इनका गुजारा इस घर में हो ही नहीं सकता। चलो बीबी, चलो बीबी। एक जाहिल और आग पर तेल छिड़कने वाली औरत के बहकाने में आकर दिलों को राज करना जाओ।
दिल का तोड़ना काबे के तोड़ने के बराबर होता है। दिल काबा होता है उनका जिनके आमाल अच्छे होते हैं, जो ऊपर से उजले और अंदर से काले नहीं होते। मेरा मुंह ना खुलवाओ, मैं तो आग पर तेल ही छिड़कती हूँ, बेवा होकर इश्क नहीं लड़ाती। अन्ना माई, जबान को काबू में रखो। ढेला मारोगे तो कीचड़ जरूर उछलेगी। इंशाल्लाह अब हम तीनों के कदम इस घर में लौट कर नहीं आएंगे। हाँ, ताहिरा, नदीम चला गए। लेकिन डैडी, नकली लेबलों के सहारे कीमती विदेशी दवाओं का धंधा। जानता हूँ जुर्म है, मगर बेटे हर दवा का फार्मूला बिल्कुल असली फार्मूला है, जिसके असरात और फायदे भी वही हैं। अगर इन पर अपने मुल्क का लेबल लगाकर बेचा जाए तो लेबल परस्त इसे कभी नहीं खरीदते। ऐसे ख्यालात रखने वाले बेवकूफ हैं, और बेवकूफ दुनिया के हर हिस्से में है। लेकिन डैडी, एक गलती के नुकसान को पूरा करने के लिए दूसरी गलती करना, और वो भी जुर्म की शक्ल में, सरासर गलत है। जुर्म का अंजाम खतरनाक होता है। मुझे भी इसका एहसास है। मैंने सोचा है कि आपके नाहिद की सालगिरह पर तमाम जायदाद और कैश तुम्हारे और नाहिद के नाम मुंतकिल कर दूं, ताकि तुम इससे कोई नया कारोबार शुरू कर दो। मैं इस कारोबार को अब खत्म ही कर देता हूं। बहुत अच्छे, वाह वाह, बिल्कुल ठीक। सेक्रेटरी, ये सारे कार्ड आज ही तकसीम कर दो। अजीम साहब और उनकी बहन का कार्ड सबसे ऊपर है, पहले उन्हें पहुंचाना, और खास तौर से कहना कि उनका आना बहुत जरूरी है। उनका आना यकीनन जरूरी है हुजूर अनवर। नाहिद बीबी के नाम तमाम जायदाद के कागजात, और नदीम मियां के नाम ये 15 लाख रुपए का चेक इस अजीमोशान कश्ती में रखकर उनके बड़े भाई के सामने ही पेश होना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? आपकी बेटी और दामाद की तरह इस ताबेदार के बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज होना चाहिए सरकार। कम अज कम 2 लाख रुपए। आपकी इस दौलत में मेरी मेहनत भी तो शामिल है सरकार। इसी मेहनत के सिले में 75 रुपए माहवार के एक अदना मुलाजिम को थोड़े ही दिनों में मैंने 1,500 रुपए का सेक्रेटरी बना दिया। तुम समझते हो कि सब कुछ तुम ही करते हो, मैं कुछ नहीं करता। बंदा नवाज, आप 7वीं मंजिल पर अपने बेदाग दफ्तर में बैठे रहते हैं, और ये खाकसार तहखाने में कीमती अंग्रेजी दवाओं के देसी फार्मूले से लेकर
असली नुमा नकली लेबल तक के जाल फैलाता रहता है। हर कदम पर जब शीशियां आपस में टकराती हैं तो मुझे हथकड़ियों की आवाज सुनाई देती है। सरकार, बकवास बंद करो और अपनी औकात को मत भूलो। ताकी माँ, औकात तो सरकार भूल गए। कभी हम और आप एक जैसी ही अंधेरी कोठरी में रहा करते थे। खामोश, आइंदा इस जिक्र को कभी अपनी जबान पर न लाना, वरना बहुत बुरा होगा। ये आका का आखिरी हुक्म है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैदा सुना है शहर के स्कूल में तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है। जी, आज ही शहर जाकर रिपोर्ट करना है। अम्मी ने फैसला किया है कि शहर से रोज इतनी दूर आने में खर्च भी ज्यादा पड़ेगा और तकलीफ भी बहुत होगी, इसलिए वहीं कोई मकान ढूंढ लेंगे। जाहिदा बाजी, आप लोग भी मुझ बदनसीब को अकेले छोड़कर जा रहे हैं। किस काफिर का दिल यहाँ से जाने को चाहता है बहन? गरीबों की मजबूरी अक्सर उनकी छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरी नहीं होने देती। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे, तुम्हें तो सख्त बुखार है। मैं अम्मी से अभी कहकर आती हूँ, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम शहर नहीं जाएंगे। मगर जाहिदा, तुम्हारे ना जाने से तुम्हारी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। कोई ठहरो जाहिदा, तुम्हारी इस मोहब्बत का शुक्रिया। हमारी मुसीबतों पर अपनी नौकरी कुर्बान न करो। हम गरीब अक्सर एक दूसरे की हमदर्दी में इस तरह अपनी तबाहियों को बढ़ाते जाते हैं और ये गलत है। लेकिन ये हमदर्दी नहीं, मेरा फर्ज है और इस फर्ज को मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी समझती। जाहिदा, अगर तुम मुझे कुछ भी समझती हो तो जहां भी तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है जरूर जाओ। इस वक्त इसी में तुम्हारी भलाई है। तायरा को मैं संभाल लूंगा। खुदा हाफिज। अगर आपका यही हुक्म है तो खुदा फरिश्ता मालूम होता है। अरे पाखरू, तू क्या चाहती है? मैं चाबी का गुच्छा चाहता हूँ। चाबी का गुच्छा निकाल दे बच्चा। चाबी का गुच्छा? मैं कहता हूँ चाबी का गुच्छा जल्दी निकाल, नहीं तो ये तुझे मार डालेगा। अब सब ठीक हो जाए।
शराबा दबंग, मेरी चाबियों का गुच्छा, मेरी दौलत, डरो नहीं खलील खान, अगर जिन्नात ने रुपया ले भी लिया तो सब एक काम में खर्च होगा। एक काम? बाबा दबंग, देखी की धमक पोखड़ी बचाने के लिए जिन्नातों ने मेरा ही घर देख लिया। पीछे आई चाबी, जिन्नात का नाम मत ले, चल भाग, अंदर सो जा, चल भाग। फाइनल इम्तिहान की तैयारी के लिए सब कुछ हो जाएगा। नकली ढांचे की बजाय असली ढांचा भी खरीद सकता हूँ। चलो, बार बार की चिकचिक खत्म हुई। खुदा तुम्हें जल्दी से डॉक्टर बना दे ताकि तुम्हारी डिस्पेंसरी में मुलाजमत करके अपना पेट भर सकूं। इस 5 आने के छू छक्के के लिए जो कुछ भी करता हूँ अपने जमीर के खिलाफ करता हूँ, जो गुनाह भी है और जुर्म भी। चल भाग पा। अरे जरा देख तो सही ताहरा, नाहिद की सालगिरह की दावत नामे आए हैं। सेक्रेटरी ने कहा है हम दोनों की शिरकत खास तौर से बहुत जरूरी है। सच भैया? हाँ हाँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने बिछड़े हुए भाई से मिलने का सबब पैदा कर दिया। मगर ताहरा, सालगिरह में जाने के लिए तोहफा चाहिए। हाँ भैया, अब तनख्वाह की रकम से तोहफा खरीदेंगे। भैया के मिलने की खुशी में मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। अपना भी यही हाल है बहन, नदीम की सूरत देखने को तरस गया था, आपने सारे दुख भूल गया हूँ इस खुशी में। अरे हाँ, मगर तू जल्दी से चलने की तैयारी करना। चल 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 चल। बेटी, अल्लाह करे हर नया दिन तुम्हारे लिए ऐसी सैकड़ों खुशियां लाए। आदाब दीदी। जी ठीक है। तुम तोहफा लेकर अंदर जाओ, नाहिद और नदीम तुमसे अच्छी तरह मिले, फिर मैं भी किसी कोने में जाकर बैठ जाऊंगा। वो देखो, अरे ताया, इन हासिदों से तो दूर की खुशी भी देखी नहीं गई। आओ दरवाजे पर ही रोक ले, भोले राजा को तरस आ गया तो तुम्हारी जिंदगी जहर हो जाएगी। सालगिरह मुबारक हो भाभी जान, ये तोहफा मेरे और भाई जान की तरफ से कबूल फरमाइए। अपना तोहफा आप संभालो, बीजे मारो। भाई बहन ने क्या मौके से फायदा उठाने की चाल चली है। हाँ माई, हम वैसे ही बड़े दुखी हैं। अन्ना माई से कहिए कि वो इस खुशी के मौके पर दुख पहुंचाने वाली बातें ना करें। अगर आप लोग दुखी हैं और सालगिरह दुख सुनाने आए हैं तो परेशान ना हो। मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे शोहर को अजीम साहब ने पाला है और आज खुदा के फजल से हम दोनों मियां बीवी इस खिदमत का मुंह मांगा सिला दे सकते हैं। जितने रुपए की जरूरत हो मैं हर महीने अन्ना माई के जरिए आप लोगों को पहुंचा दिया करूंगी। नहीं, खून के रिश्ते खरीदे और बेचे नहीं जा सकते। शादी के वक्त दौलत लाखों रुपए का जहेज अदा कर सकती है, तलाक के लिए करोड़ों रुपए का मेहर अदा कर सकती है, मियां बीवी के रिश्ते को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, लेकिन माँ बाप, भाई और बहन के अनमोल प्यार को कभी नहीं खरीद सकती। तुम जिस दौलत पर अकड़ रही हो वो कागज की नाव है, वक्त की एक हल्की सी लहर उसे ले डूबती है। दौलत के नशे में अपनों को गैर समझ कर ठुकराने वाला एक दिन खुद भी बुरी तरह ठोकर खाता है। हाय जान, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि चलते आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपकी जगह कोई और होता तो तुम उसे धक्के देकर निकाल देते, यही ना। चलो ताहिरा, इस दुनिया का खून सफेद हो गया है, चलो भाई जान। तो
अरे बेटे नदीम, तुम लोग कहाँ थे? क्या बात है बेटी, इस खुशी के मौके पर तुम कुछ उदास? नहीं डैडी, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, तुम जरा मेहमानों को देख लो। हेलो कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरे बॉस। ओ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया। माफ कीजिएगा सेठ साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। हाँ हाँ, बड़े शौक से। तशरीफ लाई। डैडी, इंस्पेक्टर साहब। मोहतरमा, आपके सेक्रेटरी के तावन से आपके वालिद के तमाम जरायम का पर्दाफाश हो चुका है। सेक्रेटरी आइए। और आप हैं इनके हमराज, यानी कि सेठ साहब के दामाद। कांस्टेबल, आका के पास तो सालगिरह के मुबारक मौके पर देने के लिए सब कुछ था, लेकिन गुलाम के पास इस फकीर तोहफे के सिवा कुछ भी नहीं। सेक्रेटरी साहब, आपने जो जहमत उठाई है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तमाम केस जानने के बाद कानून आपको भी बराबर का मुजरिम समझता है, गिरफ्तार कर लो इन्हें। जी का बंदोबस्त करना होगा। नहीं दी, डॉक्टर की जरूरत नहीं। भाई जान, मामूली चोट है, थोड़ी देर आराम कर लो, इंशाल्लाह घर जाने के काबिल हो जाएगा। कुछ आराम से ठीक हो सकता है तो हमारा डेरा हाजिर है। कुछ देर क्या, बहुत देर आराम करो बाबा। चलो आओ आओ भाई जान, आओ। बैठो बैठो बैठो। होचे तुम दोनों इधर आराम करो, हम बाहर सोएगा हमारा बिस्तर। खुदा का फजल है, तुम पानी वानी की तकलीफ हो तो इधर रखा है। हा? हमारा चिलम, हम चिलम बहुत पीता है। देखो, अगर तुमको किसी चीज का जरूरत हो तो हमको बोलो, हम इधर हैं। अरे इसको खुला रहने दो, काहे को बंद करता है, हम बाहर सोता है। तुम बहुत डरता है। Oh, my God.
बज गया है। चलम नहीं पिया, बहुत देर हो गई। नाहिद बेगम, जहां तक हमसे हो सका मरहूम के कफन दफन में हमने आपको पूरी सहूलत दी, लेकिन जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता बंगले की सील नहीं तोड़ी जा सकती। सर्वेंट्स क्वार्टर के तहखाने में माल छुपा है, इसलिए हमें उसे भी सील करना पड़ा। आप अपने किसी रिश्तेदार के यहां क्यों नहीं चली जाती? रिश्तेदार? अब मेरे शौहर के सिवा मेरे यहां कोई नहीं रहा। बंगले के पीछे जो झुकी सी पड़ी है वहां? जी जी, वो तो हमारे बंगले के चौकीदार और जमादार की झुकी है। तीन बज गए। नाहिद, उनके रिश्ते खरीदे और बेचे नहीं जाते। चलो ताहिरा, चलो ताहिरा। सफेद हो गया है मेरे अच्छे भैया। चलो ताहिरा। अरे तुम्हारा भाई को क्या हो गया? रिश्ते? चलो ताहिरा, उनके रिश्ते खरीदे नहीं जाते। दुनिया का खून सफेद हो गया है ताहिरा। तुम्हारा भाई का बुखार तो दिमाग पर चढ़ गया है, जल्दी किसी डॉक्टर का बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। अरे बाबा, अगर हमारे बेड़े पर मर गया तो मुसीबत आ जाएगा। चलो तुम हमारा साथ आओ। मैंने चलो, इधर सामने एक डॉक्टर का कोठी है, तुम भी इसको बोलेगा, हम भी बोलेगा, हम उसका पांव पकड़ेगा, मगर उसको जरूर लेकर आएगा। चलो चलो हमारे साथ आओ। चलो, डरो नहीं, तुम औरत जात है, डॉक्टर तुम्हारी जल्दी बात मानेगा। डॉक्टर आएगा, तुम्हारा भाई जल्दी अच्छा हो जाएगा। उनके रिश्ते नहीं बेचे जाते। तुम्हारा भाई अच्छा हो जाएगा। उनके रिश्ते नहीं जाते तारा। अभी डॉक्टर साहब के पास जाएगा और उनको लाएगा और सब ठीक ठाक हो जाएगा। घबराने का कोई बात नहीं। चलो कुछ ज्यादा दूर नहीं है, वो देखो सामने है। चलो चलो चलो। थक गया, घबराओ नहीं। वो देखो डॉक्टर साहब का कोटी। ओ, इतना रात गए, वो डॉक्टर साहब के पास इतना मरीज लोग आ गया। आओ चलो, आओ आओ जल्दी आओ। चलो ठहरो ठहरो। डॉक्टर, क्या बात है खान साहब? कुछ इस गरीब के भाई का हालत बहुत खराब है, हम डॉक्टर को लेने आया है। अरे भाई, डॉक्टर साहब अभी अभी अपने बाप को दफना कर आए हैं, फातिहा खानी हो रही है, ऐसी हालत में वो कहीं नहीं जा सकते। देखिए मेरे भाई जान की हालत बहुत खराब है, खुदा के लिए जल्दी से डॉक्टर साहब से कहिए। क्या बात जी? वो डॉक्टर साहब, मेरे भाई जान बहुत सख्त बीमार है, मेरे हाल पर तरस खाई, जल्दी से चल के मेरे भाई जान को देख लीजिए, खुदा आपको स्नेह का बेड़ा सिला देगा। देखिए आप 10 मिनट ठहर जाइए, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। जज़ाकअल्लाह, खुदा भला करे। चलो चलो चलो। ताहिरा,
भले कहीं होश में आकर तुमको ढूंढने तो नहीं चला गया, मगर घबराओ नहीं, वो इधर जरूर आएगा, जरूर आएगा। घबराओ नहीं, अब तुम डॉक्टर साहब के साथ घर चला जाओ। लेकिन मैं भाईजान के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मगर बाबा तुम इधर कैसे रह सकता है, अकेला औरत, और हम जवान औरत को साथ नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब मेहरबानी करो, इनको अपने साथ ले जाओ, मेहरबानी करो। देखिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। जब आपके भाईजान आएंगे तो खान साहब उनको मेरे पास पहुँचा देंगे। रो नहीं बहन, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा, हम तुम्हारे भाई को ढूंढेगा, तुम्हारा भाई हमारा भाई है। हाँ डॉक्टर साहब मेहरबानी करो, इनको अपने साथ ले जाओ। चलिए आओ भाई, आओ भाई, फिक्र का कोई बात नहीं है, हम तुम्हारा भाई को ढूंढेगा, हम अभी जाता है, हम ढूंढ के लाएगा। हाँ फिक्र न करो मेरा बहन, फिक्र न करो। ये क्या कर रही हो अन्ना भाई? कहा सुना माफ करना बीबी, मैं अपने भैया के घर जा रही हूँ। इस खुदा के आजाब से तो उसकी झुग्गी कहीं बेहतर है। शोहर हवल आदमी कसाया सर से उठ गए, तुम ऐसी हालत में मुझे तन्हा छोड़कर जा रही हो अन्ना भाई? तुम तो मेरी जरा सी तकलीफ पर सौजान से कुर्बान हो जाया करती। ऐ क्या करूं बीबी, जब से बड़े साहब की लाश को तड़पते देखा है मुझे तो यहाँ दिन दिहाड़े खौफ आए हैं। फिर पुलिस और कानून के वजीते से बहुत डरती हूँ। जाओ के साथ घुन ना पिस जाए, तुम्हारे मियाँ के बाद मुझे भी तुम्हारे साथ काल कोठरी का मुँह देखना पड़ा, तो मैं गरीब बेइज्जत होकर रह जाऊंगी। अल्लाह तुम्हारे दिन फेरे बेटा। अच्छा खुदा हाफिज़। अल्लाह भाई, अल्लाह भाई। नहीं, तुम जिस दौलत पर अकड़ रही हो वो कागज की नाव है, वक्त की एक हल्की सी लहर उसे ले डूबती है। तकदीर हंस रही थी, गम मुस्कुरा रहे थे, कागज की थी वो नाव, हम जिस पे जा रहे थे, तकदीर हंस रही थी। भाभी दिलों पर राज करना जाओ, दिल का तोड़ना काबे के तोड़ने के बराबर होता है। हो गए हम।
हंस रही थी, हम मुस्कुरा रहे थे, कागज थी वो नाव, हम जिस पे जा रहे थे, तकदीर हंस रही थी। आइए आइए, डरिए नहीं, आइए दी भाई, इनको ऊपर वाले कमरे में अपने साथ ले जाओ। चलो बेटा। जी हाँ जी, नहीं ये प्लास्टर कैसे? जी कुछ नहीं, गिर गई थी, हड्डी टूट गई और बस कुछ नहीं हुआ। ओहो दी भाई, इन्हें इस कमरे में ले जाओ। चलो बेटा जाइए आराम। शुक्रिया। टूटी बेटी, जब लड़कियों को उबटन और मेहंदी लगाई जाती है, मुझ पर किस्मत के मुकद्दर में दर्द और तकलीफ से अस्पताल में तड़पना लिखा हुआ था। नुमाइश में बिजली के झूले से गिर गई थी। ओ, तो क्या शादी से पहले तुम्हारी टांग टूट गई? अरे दूल्हा कहाँ है तुम्हारा? मेरी शादी नहीं हुई, अलबत्ता उसी दिन से हमारे खानदान की बर्बादी जरूर शुरू हुई है। मेरे भाईजान मेरे दर्दनाक हादसे की खबर सुनाकर दूल्हा के बाप को हाथ जोड़कर समझाते, रोते और गड़गड़ाते रहे, लेकिन उनके पत्थर दिल पर मेरे भाईजान के रोने और गड़गड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। काश उस दिन मेरी बारात वापस जाने की बजाय परवरदिगार मेरा जनाजा ही उठा लेता। मत रो बेटी, अल्लाह समझे उसे। बी माई जी, इनसे कह दो कि जरा भी फिक्र ना करें, इस घर को अपना ही घर समझें। मैं कल ही अपनी डिस्पेंसरी बंद करके इनके भाईजान को तलाश करने जाऊंगा। शहर में हम एक दूसरे से बिछड़ गए, उसका अब तक कोई पता नहीं। बाबा वो यहाँ आए तो बिठा लीजिएगा, मैं उसकी तलाश में जाता हूँ। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। चौकीदार कहाँ चला गया? अच्छा, अपने किसी अजीज के पास? अच्छा, तलाश जारी रहे। वालेकुम सलाम। जनाब कुछ पता चला? तलाश जारी है, फिक्र मत कीजिए। फिक्र कैसे ना करूं, सुबह से ये वक्त आ गया, ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं इंस्पेक्टर साहब। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिछड़े हुए बिल्कुल करीब होते हैं लेकिन मिलना नसीब में नहीं होता। अभी अभी फोन पे इतला मिली है कि वो कमबख्त चौकीदार अपने किसी अजीज से मिलने गया है, लापता नहीं हुआ। उसकी खबर लगाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। जी बहुत अच्छा,
जनाब, ये अपने बयान की तस्दीक में खुफिया फाइलों और दस्तावेजों को खुद पेश करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे अपने ससुर के साथ इस कारोबार में शामिल हुए कुछ ही महीने हुए हैं। इस अरसे में मुझे जो कुछ भी मालूम हुआ है कोठी चल के मैं खुद आपके सामने पेश कर दूंगा। अच्छा, ओके। अम्मी अम्मी, गजब हो गया। ये देखिए, नदीम नकली दवाएं बेचने के जुर्म में गिरफ्तार हो गया है। हमें फौरन नाहिद की खबर लेनी चाहिए। अल्लाह रहम करे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ बेटी। चलो, हमें चलना चाहिए। अब तो आपको मेरे बयान पर यकीन आ गया होगा। इन फाइलों और दस्तावेजों का केस बिल्कुल सामने आ गया है। अफसोस, आप जैसे तालीम याफ्ता नौजवान गैर कानूनी कारोबार से अपना मुस्तकबिल तबाह कर लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बदनसीब बीवी की खैरियत पूछ लूं। अच्छा, ले जाओ। नाहिद, अल्लाह भाई का अभी मुझे तनहा छोड़कर चली गई। अच्छा, उसी कमबख्त के बहकाने पर हम इस तलाश तक पहुंचे। इस तलाश के जिम्मेदार मैं हूं नदी। मैंने फैसला कर लिया, भाईजान के कदमों से लिपट कर अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगूंगी। उनके दिल को हमने इतना सदमा पहुंचाया है ना कि शायद अब वो हमारी सूरत भी देखना पसंद न करे। नदीम भैया, हमने अभी तक अपने भाई को नहीं पहचाना। वो हीरा है, हीरे को पत्थर से चूर चूर भी कर दो तो वो हीरा ही रहता। नाहिद अब हमारे साथ रहेगी। बस्ती जाकर अजीम को सारी खबर पहुंचाऊंगी। तुम फिक्र न करो बेटे, हम सब तुम्हारे मुकदमे के लिए अपने आप को भेज देंगे। चलिए जनाब। अरे, आप यहां बैठी? भाईजान का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कोई पता नहीं चला। मैं ये कहने आया था, मैंने उस चौकीदार का पता किया है, वो नातिखा गोठ गया हुआ। मैं फिर उसी की तलाश में जा रहा हूं, शायद कोई खबर मिल जाए। जाने भाईजान बीमारी की हालत में कहां कहां परेशान भी नहीं होंगे। नहीं बेटा, आज पड़ोस में औरतों की मिलाद है, मेरे साथ चलकर अपने भैया के लिए दुआ मांगना, अल्लाह मुश्किल आसान करे। वालेकुम अस्सलाम। जा जा जा, ऊपर जा बेटी। आदाबर। आदाबर, ऊपर तशरीफ ले चलिए। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। फूफी जान, ज़ाहिरा मेरी बच्ची, आओ अंदर चलो। ज़ाहिदा, अरे बेटी ज़ाहिदा, लो ताहरा भी आ गई। बेटी, मैं आजिम से मिलने और मीलाद की खबर देने के लिए बस्ती गई थी, घर पर ताला था। कहाँ गए थे तुम लोग? फूफी जान, बैठो बेटी। अरे तुम रो क्यों रही हो? खैरियत तो है, क्या हुआ?
जाहिदाबाजी भाईजान क्या हुआ उनको? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन का कुछ पता चला। जी हाँ, वो आपके एक अजीज डॉक्टर एजाज के मकान में है। डॉक्टर एजाज? जी हाँ, उनका कार्ड वहां से ले लीजिए। हुजूर, जाली दवा फरोशी के सारे केस का पता इस फाइल से लग गया। सिर्फ जाली लेबल कहां छपते थे ये पता नहीं चल सका, शायद नदीम से पता चल सके। मुल्जिम को बुलाओ। कांस्टेबल, नदीम को ले आओ। मेरे प्यारे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये सब मेरी हिमाकतों का नतीजा है भाईजान। आपसे मुंह फेर कराने की सजा है। मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, खुदा के वास्ते मेरी नादानियों को दिल से भुला दीजिए। उठो नदी, भाई के दिल में तो सिर्फ भाई की मोहब्बत ही रहती है, उसकी गलतियों या नादानियों का दाग कभी नहीं बैठता। ईद के दिन से ये बातें तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए तड़प रही है, मेरे गले जैसे लग जाओ। मैंने तुम्हें माफ किया, मगर भैया तुम पर ये मुसीबतें कैसे आ गई? मुसीबतें हमेशा गरीबों के मौला, बेकसों के वाली, ताजदार अंबिया, रहमतुल आलमीन के जिक्र से दूर होती है। महफिल मिलाद जली है और लरसते हुए आंसुओं से उनकी बारगाह में हाजिरी ले और अर्ज करे कि रहम करो ये शाहे द्वार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Thank you.
परेशानी में भी उसकी रहमत ने एक बहुत बड़ी खुशी का सबब पैदा कर दिया है। फूफी जान, ताहिरा को जिस डॉक्टर ने पना दी है ना, वो अपने डॉक्टर एजाज है। डॉक्टर एजाज कौन? वो दूल्हा? हाँ भाई वही। डॉक्टर साहब अंदर तशरीफ ले आइए। अरे आइए आइए ना डॉक्टर साहब, आइए। आदाब। तशरीफ रखिए डॉक्टर साहब। आप लोग मुझे डॉक्टर साहब नहीं सिर्फ एजाज कहिए। भाईजान से तो मैंने उस गलती की जो मेरे मरहूम बाप ने की थी मुआफी मांग ली है। अब आप लोगों से मुआफी मांगने हाजिर हुआ हूं। इस शरीफ और नेक खानदान का साया यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है।
फूफी जान, एजाज में FRCS की डिग्री हासिल करने के लिए ईद के बाद इंग्लैंड जा रहे हैं। शादी के बाद ताहिरा के इलाज के लिए उसे साथ ले जाना चाहते हैं। आमीन। लो बेटा, इस तबरुक से मुंह मीठा कर लो। लो, ये सब उसी काली कमली वाले शहंशाह के महफिल का सबका है कि जिनका नाम लेते ही मुसीबत सर से टलती है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, फिर हाजिर हूंगा। खुदा खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला ने हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी, बस नदीम और नाहिद की मुसीबतों का ख्याल आता है तो सारी खुशी गम में बदल कर रह जाती है। अब नाहिद कहाँ है? बेटी नाहिद पगली शर्म से छुपी हुई है। अरे भाई इधर आओ, आ जाओ। तुम शायद भूल गई शादी के दिन मैंने तुम्हें बहन कहा था। भाई बहनों से कभी नाराज नहीं हुआ करते। मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो? मैंने आपके दिल को बड़ी ठेस पहुंचाई। बैठो बैठो, गलतियां छोटों से हुआ ही करती है, बड़ों का फर्ज है उन्हें माफ कर दे। नदीम की जबानी तुम दोनों का हाल सुनकर मेरा तो कलेजा हिल गया। अपने सुहाग को बचाने के लिए मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं भाईजान, सारी जायदाद जब्त हो चुकी है। अरे भाई, दुनिया की दौलत जब्त हुई है ना, नौज़ बिल्ला खुदा की रहमत तो जब्त नहीं हुई। मुश्किलें दौलत से नहीं, अल्लाह की रहमत से आसान हुआ करती हैं। मैं अपने भाई के लिए अपने आप को बेच दूंगा, फिर भी कामयाबी ना हुई तो नदीम का इल्जाम अपने सर लेकर तुम्हारे सुहाग पर कोई आंच नहीं आने दूंगा बहन। चलो हम सब बस्ती चले। चाचा वकील, मार जा, खुदा के लिए लौटा दे मेरा सामान। जो कुछ घर में था मैंने सबको बेचकर ये सामान इसलिए खरीदा था कि त्योहार नजदीक है, इन्हें बेचकर चार पैसे कमा लूंगा, कुछ तेरा कर्जा अदा कर दूंगा और बाकी बचा अपनी बच्ची की शादी के लिए बचा लूंगा। अरे वो दालिम मार जा, लौटा दे, लौटा दे। दलील, इन सब सामान को बेचकर मैं अपना कर्जा वसूल करूंगा। रही बेटी की शादी, तो दुनिया में कितनी ही बेटियों की शादी बेवक्त होती है, लेकिन कर्जा कर्जा वक्त पर अदा होना चाहिए। जा भाग जा, वरना बदमाशों को बुलाकर वो मरम्मत कराऊंगा कि अस्पताल का खर्चा अलग पड़ जाएगा। निकल जा। मैंने अपने दूसरे बच्चे की लाश के आगे कसम खाई थी कि अब नहीं पीऊंगा, मगर आज तेरी वजह से कसम तोड़ रहा हूं। मान जा वरना बहुत ही बुरा होगा। अबे क्या बुरा होगा, डाका डालेगा तू, अबे आग लगाएगा तू, कत्ल करेगा तू। जैसे गरीब की किस्मत में बर्दाश्त के सिवा और कुछ नहीं लिखा होता। और जब गरीब की बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना, तो वह मौत से भी टकरा जाते हैं और तू जैसे नमरूद की नाक का मच्छर बन जाते। अबे ये गीला बफिया किसी और को देना, चल निकल यहाँ से। सामान नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चल दफा हो यहाँ से। रमजानी, ये क्या कर रहे? क्या करूं अजीम भैया, इस जालिम ने मुझे कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर दिया है। आज मैं इसे भी खाक में मिलाकर रहूंगा। हट जाओ। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर उस शराबी कबाबी की वकालत करने आए हो तो उल्टे पाँव लौट जाओ, मैं किसी की कुछ नहीं कहूंगा। नदीम गिरफ्तार हो गया है। तो मैं क्या करूँ? मुझे उसकी जमानत के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। रुपए मैंने मुलजिमों की जमानत के लिए नहीं रखे बरखुरदार। चाचा जी, मैं आपको अब तक अपना बुजुर्ग समझकर खामोश था, लेकिन खामोशी की भी कोई हद होती है। अब मैं आपसे नहीं बल्कि अपने मरहूम बाप के हिस्से की जायदाद से अपना हक मांगता हूँ। फिर वही बाप का ताना। अरे मियां, तुम्हारे बाप का कुछ हिस्सा होता तो तुम्हारे पास उसका कागज जरूर होता, और कागज मुंह से बोला करते हैं। कागज होगा और जरूर होगा। मेरा बाप सीधा साधा मुसलमान था,
यकीनन आपने इधर उधर कर दिया होगा। बकवास बंद कर, मुझे बेईमान बनाता है ना आप। निकल जाओ, आज से तुम सब लोग मेरे लिए मर चुके हो। निकल जाओ, दगा हो जाओ। चिल्लाइए नहीं चाचा जी, मैं जा रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, जो जायज हकदार का हक मारता है, दोजख की आग से पहले खुदा उसे इसी दुनिया में जलाता है, दलील करता है। खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। निकल जा, माफ नहीं करेगा। मैं उनको संभालती हूँ, तुम जाकर चचा के पांव पर गिर जाओ, नदीम के लिए रो, गिड़गिड़ाओ, शायद तुम्हारे आंसू पर संदेश को तरस आ जाए। अच्छा बाजी, आप जाइए, मैं अपने छोटे भाईजान के लिए चाचा के कदमों पर जान दे दूंगी, लेकिन नाकाम नहीं लौटूंगी। रमजानी तो रमजानी, अब तो अजीम का बच्चा भी वसीयत नामे की तरह उल्टी बोली बोलने लगा। दुश्मनी ज्यादा, खतरा बढ़ता जा रहा। कहीं ये वसीयत नामा इन तीनों बहन भाइयों के हाथ लग गया तो ये लोग तमाम जायदाद के मालिक हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। रमजानी तो नहीं है। खयानत की बड़ी इबरतनाक सजा मुझे मिली है। इस गुनाह की तलाफी के लिए जो कुछ मेरे पास सब सब तुम्हारे नाम कर दूंगा बेटे। अब मैं समझ गया हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया नेक अमाल और नेक औलाद है। अब्बा जान, बेशक असलम आज अगर डॉक्टर ना बनता तो तुम्हें इतनी जल्दी शायद तिब्बी इमदाद न मिलती। और आप जो कुछ मुझे दे रहे हैं, मुझे उसकी कतई जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ नदीम को जमानत पर रहा करवाने के लिए आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? बेटा, अब तुम इतनी बड़ी जायदाद के मालिक हो कि नदीम की जमानत ही नहीं बल्कि सारे खानदान की शादी और ब्याह के फर्ज से भी सुबुकदोश हो सकते हो। फिर भी इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। खुदा का शुक्र है कि ईद नजदीक है और इंशाल्लाह इस ईद पर नदीम हमसे जुदा ना होगा। खुदा कभी किसी भाई को भाई से जुदा ना करे। आमीन। और किसी खानदान में फूट ना डाले। अरे नए दूल्हा दुल्हन अब तशरीफ लाएंगे भी या नहीं? आए भाभी जान,
सफर का सामान ठीक कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया शुक्रिया। लाइए भाभी जान हमारी इद्दी निकालिए। पहले बड़ी भाभी जान से सुस्ताली जुर्माना वसूल कर लो डॉक्टर दुल्हा, फिर मेरी बारी आएगी। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। अरे वाह, एक तो जनाब कल FRCS की डिग्री हासिल करने के बहाने हमारी प्यारी प्यारी बहन को हमसे छीन कर ले जा रहे हैं, और ऊपर से ईदी भी हम ही से मांगी जा रही है। भाई हम तो सबको ईदी दे चुके हैं, वैसे इन सब का तुम पर भी हक जरूर बनता है। अरे नहीं नवेली दुल्हनो, जायज हकदार का हक न मारो, वरना चाचा खलील की तरह बखील कहलाओगी, यानी जलील हो जाओगी। चाचा जी वो अपने भैया शंपक्षु और बेगम शंपक्षु कहाँ है? वो नई नई शादी है ना, और उस पर ईद लगाने कहाँ है? जी हम दोनों यहाँ हैं। ये क्या हुआ? अजी इसी बैसाखी की बदौलत ताहिरा बहन इंग्लैंड जा रही हैं। FRCS की डिग्री के लिए मुझे भी जाने की तमन्ना है। अगर इस बैसाखी से तमन्ना पूरी ना हुई तो ईद के बाद मैं भी अपनी टांग तोड़ लूंगा। अरे बेटे, टांग तोड़े तुम्हारे दुश्मन, इस ईद पर तो मैंने तमाम जिंदगी भर की ईदों का फितरा इकट्ठा अदा कर दिया है, अब भी तुम्हें मेरे नेक होने का यकीन नहीं। कमाल है, तुम डॉक्टर दूल्हा के साथ लंदन जाओ और तालीम के लिए जितनी भी रकम चाहिए ले जाओ। FRCS तो क्या, ए से जेड तक की तमाम डिग्रियां ले आओ। माँ चाचा फिर तो शंपक्ष। मुबारक हो ईद मुबारक हो ईद मुबारक।